नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल पार्टी आलाकमान ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बदल दिया है। उनकी जगह अब ओबीसी वर्ग से आने वाले सीनियर नेता मदन राठौड़ को अध्यक्ष पद की कुर्सी सौंपी गई है। अध्यक्ष के साथ ही प्रदेश प्रभारी भी बदले गए हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल को राजस्थान का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। वो कर्नाटक के प्रदेश प्रभारी के साथ ही राजस्थान के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उपचुनाव से पहले ये बड़े बदलाव कर आखिर बीजेपी क्या संकेत देना चाहती है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में बीजेपी से शैलेश कौशिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार जी, सबसे पहले शैलेश कौशिक जी जब तक जुड़े, ये जो बदलाव जो बीजेपी के अंदर हुए हैं किस तरीके से देखते हैं? राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, ये इनके जो पिछले कुछ महीनों से अंतर्कलह जो खुलकर सामने आई है वो उसका परिणाम है। आप देखिएगा कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, दिखाने की कोशिश अलग हो रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तविकता में पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है और राजस्थान की भाजपा काल पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार इनके मंत्रियों की मंत्रियों से नहीं बन रही है। मंत्रियों के फोन सीएम नहीं उठा रहे, सीएम इनको टाइम नहीं दे रहे और समय नहीं देने के कारण जनता के सामने इनको जो लेटर लिख रहे हैं, चिट्ठियां, उनको सार्वजनिक करनी पड़ रही है। तो जो इतना जो घमासान मचा हुआ है, दूसरा लोकसभा चुनाव में जो इनको हार मिली है, जिनकी अपेक्षा के अनुरूप इनको सीटें नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं उसका दबाव भी सीएम पे भी है, यहाँ के उनकी जो ब्यूरोक्रेसी उन्होंने जमा रखी है कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी है, और साथ ही जो प्रभारी इन्होंने इन्होंने लगा है तो जिनको जिम्मेदारी दी थी उनके ऊपर भी है। अब समस्या ये आ रही है कि सब एक दूसरे के ऊपर अपना वो ढालकर छोड़ना चाहते कि गलती हमारी नहीं है, कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह छूट नहीं दी गई, कहीं ना कहीं हमें संसाधनों की कमी दी गई है। अब एक भी नेता ऐसा नहीं है, सिर्फ किरोड़ी लाल जी ने जरूर ये बोला है खुलकर सामने कि हाँ मुझे कुछ सीटें दी गई थी, वहां पे मैं सब पार्टी को सफलता नहीं दिला पाया, उसके लिए मैं अपने पद से त्याग मंत्री पद से त्याग देता हूं, लेकिन उसके बाद भी उनका इस्तीफा स्वीकार न करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि पूरी भाजपा के अंदर बड़े स्तर पर उथल पुथल मची हुई है और प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का इसको एक तरीके से संगठित करके इसको सुधारना चाहता है और संभालना चाहता है। जी चलिए शैलेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। और जैसा कि आज का हमारा मुद्दा है कि बीजेपी में ये जो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं इनके मायने क्या है, इसी को लेकर राजकुमार जी को आपने सुना ओपनिंग नोट, तो बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते क्या ओपनिंग नोट क्या देना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देना, नए कार्यकर्ता को आगे लाना और कार्यकर्ता में दायित्वों का स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है जो नियमित रूप से चलती रहती है। निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे यहाँ चुनाव भी होते हैं, चुनाव के साथ साथ संगठन में नए कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलते हैं, पुरानों को दायित्व मिलते हैं, पर शायद राजकुमार जी मीणा जिस तरीके से अभी अपनी बातों को रख रहे थे ये भूल गए कि इनके और हमारे संगठन में मूल अंतर यही है कि इनके हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 बदल गए, इनके यहाँ जब तक सोनिया और राहुल के बीच में गेंद इधर उधर घूमती रही, पहली बार इन्होंने पता नहीं किस दबाव के कारण वो भी एक मोहर के रूप में मल्लिकार्जुन को लगाया है। आप 12 अध्यक्ष का कार्यकाल हमारे यहाँ जब तक राष्ट्रीय का हुआ तब तक इनके अगेन दो ही व्यक्तियों के मां और बेटे के बीच में घूमती रही, तो संगठन के विषय के बीच में इनकी सोच और इनकी जो संगठन के प्रति इनकी समर्पणता है उसके विषय में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जहां तक ये कह रहे थे राजकुमार जी कि भारतीय जनता पार्टी में ये हार हो गई वो हार हो गई, हमारे यहाँ तो शायद राजकुमार जी को भी ज्ञान पूरा नहीं है, विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत जिस व्यक्ति माननीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में हुई थी, और उन्होंने नेतृत्व के बाद जब नए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने पार्टी आलाकमान से कहा था कि मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ, किसी नए व्यक्ति को लाइए। ऐसा इतिहास में पहली बार होता है कि जीत के बाद, क्योंकि उनको मालूम था कि कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जो मेहनत की कार्यकर्ताओं ने और उन्होंने जो एक ऐतिहासिक कार्यकाल सीपी जोशी का रहा। दूसरी बात, अगर आपको ध्यान होगा तो जब विधानसभा लोकसभा चुनाव के समय उनको टिकट मिला था तो उसके बाद भी उन्होंने आलाकमान से कहा था क्योंकि मेरे पास एक चुनाव लड़ रहा हूं और मैं ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अपने पद के साथ हो सकता है पूरे राजस्थान को समय नहीं दे पाऊं, तब भी आलाकमान ने विश्वास जताया और अब उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, और उसके बाद देखिए बिना किसी उपापो के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी वैमनस्यता के, एक
तुरंत निर्णय के अंतर्गत मदन राठौड़ जी को अध्यक्ष बनाया, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। यही परिस्थितियां कांग्रेस में होती तो दिल्ली से जयपुर तक पता नहीं क्या परिस्थितियां होती, सबने देखा है राजस्थान में 5 साल की सरकार को। तो हम कह सकते हैं हमारी यहाँ एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, निरंतर नए कार्यकर्ताओं को दायित्व देना और कार्यकर्ताओं को आगे लाना। जहां तक मदन राठौड़ जी के बारे में बात है, आप सब जानते हैं संगठन के बहुत अनुभवी नेता है, 4 बार जिलाध्यक्ष रहे, RSS में प्रचारक रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, सरकार में उप मुख्य सचेतक रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों के सामंजस्य को साथ लेकर सत्ता और समन्वय की सरकार और संगठन के साथ राजस्थान की जनता को हित कर सकता है, ऐसी व्यक्ति के रूप में उनको आगे लाया गया है। और सीपी जोशी जी का छोटा सा कार्यकर्ता की ऐतिहासिक उपलब्धि राजस्थान की जनता ने देखी है। जी शैलेश जी, आपने कहा ये सतत प्रक्रिया है बीजेपी के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है कि लोकसभा में जितना अनुमान था सीटें जीतने का, उतनी सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई, इस वजह से ये बदलाव देखने को मिला है। देखिए, विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। जो व्यक्ति 99 सीट जीतकर जिनकी पार्टी का मुखिया ये कहते कि हम तो जीत गए, जबकि कभी जब वो चुनावों की रैलियों में जाते थे तो कहते थे हम पूरी सरकार बनाएंगे, हम इतनी सरकार बनाएंगे, हमारी इतनी सीटें आएंगी, तो उनका आकलन कहाँ गया? समिति उनको आगे के जिस रूप से कि जिस तरीके से हम संगठन में और सरकार में लगातार और अपनी बात को जनता के बीच में रख सकें, तो विपक्ष की बातों पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ संगठन में सत्ता, आप देखिए राष्ट्रीय हमारे यहाँ एक फिक्स सिस्टम है, अब दिसंबर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो हमारी सतत प्रक्रिया है। किसी एक व्यक्ति के ऊपर पार्टी, एक परिवार के ऊपर पार्टी नहीं चलती, कार्यकर्ताओं को नयों को आगे लाया जाता है, पुरानों को साथ रखा जाता है। जी राजकुमार जी, एक सतत प्रक्रिया, जिस तरीके से शैलेश जी ने अपनी बात रखी, आपने भी सुना कि ये बीजेपी का लगातार ये एक प्रोसेस है जो कि चलता रहेगा, अभी नहीं आगे भी इस तरह के बदलाव जो है देखने को मिलेंगे, तो कांग्रेस में ये बदलाव कहाँ रह गए थे? राहुल जी, कांग्रेस में किसने कहा बदलाव नहीं होते, समझने की जरूरत ये है कि आप उसको देखना ही नहीं चाहते। और जो सतत प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया की बात करते, तो जेपी नड्डा जी का तो कोई, हमने पिछले 2 कार्यकाल में कभी देखा ही नहीं कोई चुनाव है मनोनीत किए गए हैं। कांग्रेस का आप स्पष्ट रूप से देखिए, इलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे भी थे, खड़के जी भी थे। और रही बात, तो इनको हमारी पार्टी के बारे में चिंता करने की वैसे जरूरत है नहीं। और ये जो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो बजट के अंदर साफ सुथरा देखा है हमने कि किस प्रकार राजस्थान के साथ भेदभाव किया गया, वो भेदभाव क्यों किया गया ये समझने की जरूरत है। भेदभाव इस वजह से किया गया कि इनकी आशानुरूप सीटें निकल के नहीं आई। आप देखिए, सिर्फ इनकी 2 बैसाखियों जिनके सारे इनकी सरकार चल रही है, जिससे इतने बड़े बड़े ये अपने घमंड के साथ बात कर रहे हैं, सिर्फ पूरा बजट 2 बैसाखियों को दे दिया गया। क्या इस देश के अंदर और राज्य नहीं थे? सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ये पूरी जनता देख रही है। आप कुछ कह दो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना पूरा बजट सबने देखा, किस प्रकार यहाँ के युवाओं को मूर्ख बनाया गया। आप देखिए कि आंध्र को और बिहार को क्यों दिया भाई, राजस्थान नहीं। तक राजस्थान के जो रिजल्ट जिस राज्य से जैसा निकल गया, वो भेदभावपूर्ण रवैया नजर आया है। और निश्चित तौर पे अभी आप देखिए, अभी तो ये कहते हैं कि हमारे संगठन में सब कुछ है, पिछले 2 महीने से किरोड़ी लाल जी की हलचल इनके यहाँ मची हुई है, अभी तक स्पष्ट कर नहीं पाए। वो कहते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया, ये कहते कि हमने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। फिर किरोड़ी लाल जी की अफवाह आती कि उनको ये दायित्व मिलेगा, वो दायित्व मिलेगा। तो पहले जो जनता सब कुछ बैठ के देख रही है ना, वो क्या झूठ है कि या फिर आपका नौटंकी ड्रामा चल रहा है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए? इनके बदलाव से आने वाले 5 सीटों का उपचुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 5 सीटों इंडिया गठबंधन जीते। राजकुमार जी, आप पार्टी के अंदर अंतर कलह की बात कर रहे हैं, अंतर कलह तो पार्टी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, जब सत्ता में थी 5 साल का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, तो उनके कार्यकाल में भी ये अंतर कलह तो आपकी पार्टी में भी देखने को मिला था। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की जो जंग है वो जग जाहिर है। राहुल जी, जो जग जाहिर जंग है, हमारे परिवार का मामला था, कुछ नाराजगी थी, बैठ के उसको सुलझाया गया। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई पार्टी छोड़ के गए, उनकी कुछ बातें थी, शायद उनको उचित समाधान नहीं मिला तो उनको लगा कि ये तरीका हमारा सही है अपनी बात ऊपर तक रखने के लिए। ऊपर वाले केंद्र से बैठे लोगों ने उनके बीच में सुलह कराई, पूरी बात ध्यान रखी गई और उसके बारे में काम हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके पीछे का आप षड्यंत्र भी भाजपा वालों का सरकार गिराने का, ये बोलते 5 साल कुछ नहीं किया। अरे कांग्रेस सरकार ने तो कोरोना की महामारी में भी काम किया है, और ऐसा काम किया है कि नरेंद्र मोदी ने, केंद्र ने यहाँ का राजस्थान मॉडल फॉलो करके पूरे देश में काम किया है। और आपका हर प्रदेश के अंदर भाजपा ने सरकार संवैधानिक मूल्यों से ऊपर निकलकर उनके संविधान की हत्या करके इन्होंने सरकारें बनाई है खरीद परोस करके, लेकिन राजस्थान में असफल हो पाए। इनकी चेष्टा थी, बड़े खुश हो रहे थे, बाकी ऐसा कुछ ही नहीं था। अंतर कलह
अगर इतनी ज्यादा होती तो बिल्कुल उनके बीच में बैठ के हमारे बीच में समझौता कभी नहीं होता। जी जो बातें थी वो मानी गई और अंतर्गत सुन, लेकिन इनकी तरह तो नहीं है ना, अभी तक चले आ रहे, स्पष्ट कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि क्या बात है। जी चलिए शैलेश जी, पहला तो आप राजकुमार जी की बातों से कितना वाकिफ रखते हैं, कितना इनसे एग्री करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जो निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी, वो केंद्र में अमित शाह से मिलने गए थे। उस मुलाकात के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। तो क्या लगता है कि ये उस मुलाकात के बाद ये इस्तीफा आना किस ओर इशारा करता है? देखिए राजकुमार जी जो बोल रहे शायद इनको पता नहीं है, इन्होंने कहा कि 5 साल हमारी सरकार में, भैया हमारी सरकार को तो केवल 8 और 7 महीने हुए हैं, उस सरकार के अंतर्गत ऐसा कौन सा विवाद आपके सामने आ गया? जिन किरोड़ीलाल जी मीणा की बात कर रहे हो वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, एक इतनी बड़ी नैतिकता ली है कि जिस माननीय प्रधानमंत्री आपके डोटासरा ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया कि उनकी सरकार चली गई? क्या वो जिम्मेदार नहीं थे कि आपके डोटासरा, आपके यहाँ किसी व्यक्ति ने राजस्थान में हार की जिम्मेदारी ली क्या? आप बताइए, क्योंकि आपके यहाँ कुर्सी और सत्ता का मोह कभी छोड़ा नहीं जाता। माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा ने जो जिम्मेदारी थी उसमें अगर वो असफल हुए, उनको लगता है कि मैं इसको अपने दायित्व को जो मुझे पूरा नहीं कर पाया, तो उन्हें और इस्तीफा स्वीकार ना करना करना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार, ऊपर के संगठन से बात चल रही है, निश्चित रूप से इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि हमारी सरकार के ऊपर ये किया, भैया आपकी सरकार के ओएसडी ने ही जो लोकेश शर्मा जी थे सारा कांड ही खोल दिया, किस किस की फोन टेपिंग हुई, कैसे कैसे फोन टेपिंग हुई, किस किस के ऊपर टारगेट बनाया गया। और जहां तक आप कहते हो कि केंद्रीय आला कमान ने हम सबको बैठा दिया, तो लोकसभा चुनाव में राजकुमार मीणा जी, आपको ध्यान नहीं हो तो ध्यान दिला दूं, लोकसभा चुनाव के बाद जब आपके अशोक गहलोत जी बैठे थे प्रचार कर रहे थे, तो राहुल सचिन पायलट जी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं तो जालौर और सिरोही जाना चाह रहा था, मुझको बुलाया नहीं। और अशोक गहलोत जी कह रहे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो सामंजस्य की बात, आपके यहाँ सबको मालूम है क्या स्थिति है। आज तक अशोक गहलोत जी एक भी दिन विधानसभा नहीं गए, और किस तरीके से सचिन पायलट और उनके बीच रस्साकशी चल रही है आप जानिए। हमारे यहाँ सत्ता और संगठन का जितना अच्छा समन्वय है और जितना अच्छा तालमेल है, उसके परिणाम राजस्थान की जनता देख रही है कि किस तरीके से ऐतिहासिक बजट राजस्थान को दिया गया है। जहां तक आपकी अज्ञानता की बात करूं, तो जिस बिहार और आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हो, उस आंध्र प्रदेश को जिसको कि राज्य बनाने के बाद एक राजधानी बनानी है, उसको बनाने के लिए अगर कोई बजट दिया जाता है, तो निश्चित रूप से केंद्र का दायित्व है कि अगर नया राज्य बनाना है तो राजधानी के लिए पैसा दे। और आप जो पढ़ी पढ़ाई किताबों की बात कर रहे हो, तो जरा महाराष्ट्र में तो देख लो 74,000 करोड़ रुपए मिले हैं। महाराष्ट्र तो आंध्र प्रदेश और बिहार में नहीं आता, उसको भी 74,000 करोड़ रुपए मिले प्रोजेक्ट के लिए। तो थोड़ा अपने ज्ञान को बढ़ाइए, उसके बाद इस विषय को रखिए। जहां तक आप बात करिए राजस्थान सतत प्रक्रिया है, आपके अंतर्गत मुझे बता दीजिए किसने जिम्मेदारी ली। हमारे यहाँ तो अध्यक्ष जी ने जीतने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी अध्यक्ष पद पर छोड़ने की पेशकश की, लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद की। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि है, कार्यकर्ता को आगे लाया जाता है, कार्यकर्ता को बढ़ाया जाता है। जी शैलेश जी, कार्यकर्ताओं की आप बात कर रहे हैं, एक सवाल बीच में मेरा भी था। जैसा कि मैंने कहा था कि केंद्र में अमित शाह से मुलाकात के बाद जो है डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, तो ये मुलाकात जो हुई सीपी जोशी की और अमित शाह जी की केंद्र में, क्या उसके बाद ये इस्तीफे की पेशकश हुई या पहले से ही ये चीज़ तय थी कि कार्यकाल पूरा होने के बाद या उपचुनाव जैसे ही आएंगे उस वक्त नए प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा जो होनी है? हेलो हेलो शैलेश जी, आप हेलो। सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी हाँ शैलेश देखिए जी, एक राहुल सवाल, जी, जी एक सवाल यहाँ बीच में मेरा भी था कि अमित शाह से मुलाकात के बाद डॉक्टर सीपी जोशी ने जो है अपने इस्तीफे की पेशकश रखी है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए राहुल जी, मैंने बेस्ट विषय पे पहले भी बात कर चुका हूँ कि सीपी जोशी जी 2 बार अपने इस्तीफे की पेशकश लगातार विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा टिकट मिलने के समय कर चुके थे, और अब उन्होंने इस तीसरी बार इस बात को कहा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि इस कार्यकर्ता इस दायित्व के लिए कोई नया कार्यकर्ता आए। पर एक ऐतिहासिक कार्यकाल, 1.25 साल के कार्यकाल में राजस्थान में सरकार बनाना, एक निर्विवाद नेता के रूप में, निर्विवाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सभी लोगों को साथ लेकर चलना, और कार्यकर्ताओं के बीच में एक हसमुखी चेहरे के रूप में जो सीपी जोशी जी की उपलब्धता रही है, उसके बारे में निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। और जहां तक माननीय गृह मंत्री जी से मिलने का सवाल है, वो हमारे पार्टी के राजनीतिक राजनीति के चाणक्य के कहे जाते हैं, और उनसे मिलना और किसी भी विषय में चलती हुई लोकसभा के समय उनसे मार्गदर्शन लेना, राजस्थान के विषय में अपनी बात रखना और नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी सलाह देना, क्योंकि जब कार्यकाल में चला तो कहीं ना कहीं इन विषयों के बाद और इस्तीफे की पेशकश वो पहले ही कर चुके थे। ये तो एक समय की परिस्थितियां हैं कि उस वक्त मुलाकात और तत्काल बाद घोषणा, ये एक समय की परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री से मिलना और उनसे मार्गदर्शन लेना एक सतत प्रक्रिया है और सतत एक राजनीतिक कार्यकाल है। जी
शैलेश जी, आपने बिल्कुल आपने बताई बातें, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए राजस्थान विधानसभा चुनावों के समय की अगर मैं बात करूं तो उस समय मदन राठौड़ का टिकट काटा गया था, फिर वो निर्दलीय ताल ठोकने की उन्होंने बात करी थी, लेकिन उन्होंने नामांकन अपना वापस लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन आने के बाद, तो क्या ये चीजें उसी वक्त तय हो गई थी? देखिए, शर्त की राजनीति और कंडीशंस की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। सुमेरपुर से लगातार 2 बार विधायक रहे हैं, 4 बार पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, ऐसे और कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से उनको उस बाबा विश्व में उन्होंने नामांकन लिया, लेकिन आप देखिए नामांकन वापस लेने के बाद एक बागी के रूप में उन्होंने बिल्कुल चुनाव लड़ने से मना कर दिया और एक पार्टी और उस स्थिति में उन्होंने वहां के जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया उसके साथ खुले रहकर चुनाव प्रचार किया। ये एक कार्यकर्ता की वो है कि कार्यकर्ता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस तरीके से केवल कमल के फूल के लिए काम करता है। और जहां तक उनके ये आप कह रहे हैं कि ये बात उस वक्त लिखी गई थी, ऐसा नहीं है। हर चुनाव के समय हर परिस्थितियां अलग होती हैं। वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, पार्टी के लिए काम किया, पार्टी को आज उनका उपयोग लगा कि राज्यसभा सदस्य के रूप में एक अच्छे उन्होंने वक्ता के रूप में जब वो मुख्य सचेतक थे उनका कार्यकाल रहा है, एक संगठनकर्ता के रूप में 4 बार जिलाध्यक्ष रहे, तो आज उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये तो एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत योग्य व्यक्तियों को आगे लाया जाता निश्चित रूप से। चलिए जी, राजकुमार जी आपके पास आना चाहेंगे। लगातार जो है आपकी पार्टी पे आरोप लग रहे हैं, कुर्सी और सत्ता का मोह जो है वो कांग्रेस में बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? राहुल जी, मुझे समझ में नहीं आता कुर्सी से और सत्ता के मोह की जब ये लोग बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात मैं एक बात बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। मुझे एक बात भी बता दी, चाहे आरएसएस हो, चाहे इनका भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और 5 बार इनको प्रधानमंत्री का मौका भी मिला है जनता दल के साथ में, क्या कभी इन्होंने एसटीएससी वाले को प्रमुख पदों पर रखा? एक नाम बता दीजिए, चाहे आरएसएस का प्रमुख हो, चाहे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री, मौके मिले ना सबको साथ लेने को। दूसरी भैया राजकुमार जी, एसटी को तो हमने राष्ट्रपति जैसे आपको पता है कि नहीं पता? राष्ट्रपति बनाया है। आप थोड़ा सा मैं आपको दोनों काउंटर कर रहा हूँ राहुल जी, हमने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी में बनाया है। सुनिए पूरी बात, सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, अभी थोड़ा चिन्ना होगा। आप केवल एससी वालों को लेबर की तरह काम करवाना चाहते हो, मुख्य पावर में क्या दिया आपने? राष्ट्रपति बनाया ना, तो उसकी पर्ची भी पीएमओ से लिख के जाती है, कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है, ये सब चीजें सार्वजनिक हुई है। कौन पावर सेंटर में बेहतर को किसको लेबर की तरह यूज किया जा रहा है? मुझे एक नाम बता दीजिए, आप कभी आपने एसटीएससी को राष्ट्रीय अध्यक्ष रखा है? मुझे एक नाम बता दीजिए आरएसएस में कभी एक एसटीएससी वाला के लिए बेटा। और दूसरी बात रही जवाबदारी लेने के बाद, तो किसी भी कांग्रेसी लीडर ने किरोड़ी लाल जी की तरह और इनकी तरह थोती बातें नहीं की चुनाव में कि हमें ये हमें वो रिजल्ट दिए हमारा क्यों? भैया जिसने काम किया वो सामने किया। पर अंत करने वाली बात आई तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है, वो केवल बाल झालावाड़ के अलावा उन्होंने कहीं प्रचार किया हो तो बताइए कितनी बड़ी अंतर करते आपसे खींचातान इनके बीच में चल रही है। और ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया आप देखे जाइए, धीरे धीरे इनके सामने निकल के आ रहे, आगामी समय में कितना और बढ़ के निकल के आता पूरी प्रदेश की पूरी देश की जनता जानती है। कौन पावर सेंटर लेके सत्ता का मोह लेके कौन कुर्सी से चिपका हुआ है ये सबको पता है। चलिए शैलेश जी जवाब लेंगे, शैलेश जी क्या कहेंगे? सतत प्रक्रिया की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि ये प्रक्रिया जो है ये निचले जो पदाधिकारी हैं उन पर लागू होती है, आला कमान पर क्यों नहीं? देखिए राहुल जी, आपको मैं राजकुमार मीणा जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम जाति में विश्वास नहीं करते। हमने अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में अल्पसंख्यक अब्दुल कलाम आजाद को हमने भारतीय जनता पार्टी के समय में कार्यकाल में राष्ट्रपति बनाया गया है, एससी वर्ग से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया है, एसटी वर्ग से आने वाली तुमने बिठा रखा है, आप शांत रहिए सुनिए, राष्ट्रपति सबसे बड़ा आपने केवल इनको मजदूर वर्ग समझा है हमेशा बेखामों में सांप्रदायिकता की राजनीति में। आज मुझे एक बात बता दी, जितने भी आपने देश में दंगे करवाए कौन आपका ना जो जनरल वाले पावर सेंटर में उसमें शहीद हुआ कौन क्या हुआ, आज सारे आरोप मुझे आपने राष्ट्रपति बनाया केवल इस देश की एसटीएससी वालों को मूर्ख बनाने के लिए, कितना समझा आपने उसको? बस इतना तक उनको यहाँ तक भी लायक नहीं समझा, उनसे मिलने कौन जा रहा है कौन आ रहा है उसकी पर्ची पीएमओ से बनती है, उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अरे आप उनको सम्मान देते हो ना तो एक राष्ट्रपति खड़ा समानता समझते हो,
राजकुमार जी, राहुल जी मैं तो छोड़ दूंगा, नंबर पर बोलेंगे तो मैं डिबेट को छोड़ दूंगा। मैं इतना मुनी हूँ, इनके हर बात का काम से तो राजकुमार जी ने बोला उनको, राजकुमार जी देखिए आपको शांति से सुनने की आदत तो डालनी पड़ेगी। जब आपको हर कमरे की चलता है तो आप एक बार शांति से सुनने की आदत है सामने ना, सुनिए ना, आपको तो सुनने की जरूरत है क्या? आपने जब आपका सर बिल्कुल है, आपने ना आप भगवान बात कर रहे हो ना, आप सुन नहीं पा रहे हो ना भगवान की बात। मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे थे ना, चुप हो यार, मैं बोल रहा हूं तो सुनिए ना, समस्या ये आती है। ऐसे ही तो लोकसभा छोड़ के रखते हो, ऐसे ही विधानसभा छोड़ के रखते हो, और ऐसे ही आप डिबेट को छोड़ के, तो आप एक बार बताइए थोड़ा सा। अरे आपकी झूठ सुनने के लिए नहीं बैठा, आप लोगों को मूर्ख बनाओगे। आप दोनों मेहमानों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट है राजकुमार जी। राहुल जी मैं बोल रहा हूँ, राजकुमार जी आप शांत से बात सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस चर्चा को अगर एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ाएं तो सभी को हेल्प मिलेगी सुनने में, सबको समझ आएगी। मैं इस तरीके से जब करके मैं बुलाता आपने रुका, मैं चुप हो गया। आपने कहा कि मैं जब बोलता था पहले शैलेश जी को कहा था आप शांति से बात सुनिए, वो शांत हो गए थे, आपकी बात उन्होंने पूरी होने दी, उसके बाद वो जवाब दे रहे हैं। तो अब आप एक बार उन्हें भी जवाब देने दीजिए, उसके बाद आपका समय आएगा, तब आप अपनी बात रखिएगा। आपको कोई बात गलत लग रही है बाद में अपना समय आए तब उन पॉइंट्स पे बोलिएगा। जी शैलेश जी, जवाब सुनने की क्षमता इनके अंतर्गत है ही नहीं। आप एक बार बताइए, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान, जिस संविधान को लेकर पूरे चुनाव में हाथ में घूमे, उस संविधान में सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के कांग्रेस का एक प्रवक्ता, मैं नोट कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति के पद का मखौल उड़ा रहा है, राष्ट्रपति के पद की मर्यादा का हनन कर रहा है, राष्ट्रपति की मर्यादा का चीर्ण कर रहा है कांग्रेस का एक प्रवक्ता। आप देखिए क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के बना दिया, राष्ट्रपति जैसा पद कांग्रेस संविधान को इनके युवराज हाथ में लेके घूमे पूरे चुनाव में, और संविधान की धज्जियां जो इनकी परंपरा है उसके अनुसार इन्होंने आज इस डिबेट में उड़ाई है। राष्ट्रपति का पद संकेत राष्ट्रपति के पद को मखौल का भाव बनाया है। यहां तक ये बात कर रहे थे, दूसरी मैं कह रहा था, कहना चाह रहा था कि ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में किसी एस टी वर्ग को प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया। बंगारू लक्ष्मण कौन थे भैया, कौन थे बंगारू लक्ष्मण? आपके ध्यान और ज्ञान को दोनों को बढ़ाइए। हमारे यहाँ पद पे एससी एसटी और इस तरीके से नहीं होता, जो योग्य होता है तो हमेशा आयोग देता है। आज नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में 60% मंत्री एससी एसटी और ओबीसी के हैं, नहीं होता इतिहास उठाकर देख लेना, पहले कार्यकाल को, दूसरे कार्यकाल को, तीसरे कार्यकाल को, एससी एसटी ओबीसी मिला के 60% से ज्यादा मंत्री हैं। आप देखिए हमारे यहाँ एसटी से कितने मुख्यमंत्री हैं, एससी के सबका विकास लेके आगे बढ़ाया जाता है। आपकी तरह नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का दूसरे राजा का बेटा उसका बेटा राजा बनेगा। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी कार्य के हिसाब से बनता है, प्रदेश अध्यक्ष भी कार्य क्षमता के हिसाब से बनता है, संगठन के हिसाब से बनता है। इसलिए आप इन विषयों पर टिप्पणी करने से पहले सोचें, आप जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जिस तरीके से आपने राष्ट्रपति के पद पर टिप्पणी की है, अशोभनीय टिप्पणी की है, निश्चित रूप से आपको जवाब देना पड़ेगा इस विषय पर। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब कार्यकर्ता की बात जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप देखिए हर व्यक्ति को, और जहां तक मैं कह रहा था बंगारू लक्ष्मण जी का, तो जरा देख लीजिएगा क्या सोचा है बंगारू लक्ष्मण जी हमारे यहाँ जो बने हैं किस वर्ग से आते थे। हमारे यहाँ हर वर्ग को आगे लाया जाता है, और यही नहीं है, दक्षिण से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, उत्तर से ही बनते हैं, पूर्व से ही बनते हैं, पश्चिम से ही बनते हैं। कार्यकर्ता की योग्यता है तो वो निश्चित रूप से आगे आएगा। शैलेश जी एक सवाल यहाँ मेरा भी निकल के आता है, जातिगत समीकरणों की बात हो रही है, तो क्या लगता है ये जो बदलाव है, क्या बीजेपी की ओबीसी के वोट बैंक को और मजबूत करने का एक प्रयास है ये? देखिए राहुल जी, मैंने कहा था कि सबको साथ लेकर चलते हैं, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आज ओबीसी एससी एसटी जहां जिस तरीके से होता है, सब जो कार्यकर्ता जिस वर्ग का है उस वर्ग को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले, उस वर्ग का कार्यकर्ता है तो वो आगे आए। बात वर्ग की नहीं है, बात कार्यकर्ता की क्षमता की, उसकी योग्यता की, उसकी मेहनत की, उसके समर्पण की है, और उस आधार पर जिस कार्यकर्ता को आगे लाया जाता है। आप देखिए जिस ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं आप, मैं कहना चाहता हूँ मदन राठौड़ जी कोई ऐसा तो नहीं है कि सीधे आए और प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। 4 बार जो आदमी जिलाध्यक्ष रहा है, आरएसएस में प्रचारक रहा है, 2 बार विधायक रहे हैं, उप मुख्य सचेतक रहे हैं, आज राज्यसभा के सदस्य भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो संगठन की पुरानी पीढ़ी में भी काम कर चुके हैं, नई पीढ़ी के साथ काम करेंगे, तो इतना अच्छा तालमेल के साथ एक अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को लाएं,
जो मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ राजस्थान की जनता के विकास में कार्यकर्ताओं के हित में निर्णय होंगे। चलिए राजकुमार जी, अब आप अपनी बात रखिए और साथ ही साथ एक और जातिगत समीकरणों की आप बात कर रहे हैं, काफी सारी बातें, काफी कई आरोप है जो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं। तो वही एक सवाल यहाँ निकल कर ये आता है कि जातिगत समीकरण तो कांग्रेस पार्टी भी बिठाने की कोशिश कहीं ना कहीं करती है हर एक चुनावों की, अगर मैं बात करूँ तो। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो राष्ट्रपति पद के बारे में इन्होंने कहा है, तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक को इस देश के सबसे बड़े भव्य मंदिर में आमंत्रित नहीं करना सबसे बड़ा अपमान क्या होता है? ये अपमान होता है, ठीक है। राष्ट्रपति खड़ा है, प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठा है, एक संवैधानिक पद, हमने तस्वीरें देखी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, सब में देखा है, वो खड़ा है, इसको अपमान बोलते हैं। राष्ट्रपति से मिलने कौन जा रहा, मिलने नहीं आ रहा है, उसकी आप भी पर्ची लिख के वो क्या बोलेगा, ये सब लिख के दे रहे। खुद राष्ट्रपतियों ने, उनके पीए जो उनके सचिव रहते उन्होंने उजागर किया है और जनता ने देखा। किसने राष्ट्रपति पद की गरिमा को धूमिल किया है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, चाहे आप चिल्ला के बोलो या शांत स्वभाव से बोलो। पूरी एक आपके वाक्य की जो अंदर दिखाने खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं वो सामने है। दूसरा, आप जो बात कर रहे थे कि काश समीकरण की, जहां पर जिस प्रकार का होता है, कांग्रेस ने कभी भी चाहे मुख्यमंत्रियों का मामला हो, आप देखिए सबको समान अवसर दिया है, कहीं भी ऐसा नहीं कि एक एक आदमी, मतलब ये है कि उसको यहाँ भी जनरल दे दे। आज 12 राज्यों में इनकी खुद की, मतलब गठबंधन के अलावा देखे जाए तो 3 राज्य ऐसे जहां पर आदिवासी बाहुल्य है, तो वहां पर सिर्फ वो, उसके अलावा सारे जनरल के, मैंने अभी पूरा इन्होंने बताया सर्च करके, जहां पे मतलब जातिगत समीकरण, यहाँ जनरल वहां जनरल वहां जनरल, एक ओबीसी 2 एसटी वाले दे रखे। तो प्रधानमंत्री पद ऐसी देश के अंदर ऐसा पद है जिसके पास पूरी पावर सेंटर होती है, वो पूरे देश को चलाता है, विदेशों की तरह राष्ट्रपति नहीं चलाता। तो आपने प्रमुख पदों पर कब मौका दिया? आपने हमेशा उनका दुरुपयोग किया है, उनको अपनी भीड़ के रूप में इस्तेमाल किया है, उनको, उनके बच्चों को अपनी भीड़ के लिए इस्तेमाल किया है, उनकी भावनाओं को सांप्रदायिकता के रूप में वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने कभी भी उनको प्रथम पंक्ति में कभी भी खड़ा नहीं किया। चलिए आप इतिहास उठा के देखिए जी, राजकुमार जी, वही अगर उपचुनाव की बात करें, आगामी उपचुनाव भी आने वाले हैं, 5 सीटों पर उपचुनाव है, तो बीजेपी की, अब राजस्थान की जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, उनका कहना है कि पांचों की पांचों सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है, आज ही उनका स्टेटमेंट आया है, क्या कहेंगे इसको लेकर, कांग्रेस की जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी तो 400 पार का नारा देते देते 240 पे आ चुकी, वो तो 5 की अगर भूल जुवंस कोई 6 भी कह दे तो बड़ी बात नहीं है, तो एक भी सीट इनके खाते में नहीं जाने वाली, इंडिया गठबंधन के खाते में पांचों की पांचों सीट जाने वाली है। और इनका जो कार्यकाल, जिसकी ये बड़े बड़े बढ़ चढ़ के बात करते हैं, जनता ने देखा है उसका रिजल्ट इनको दिया है, चाहे उस चीज को माने या ना माने ये इनके ऊपर है, लेकिन जनता ने जो माना रिजल्ट दिया, सबने देखा है, निश्चित तौर पे पांचों की पांचों सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला है चुनाव। जी शैलेश जी, आपके पास भी आना चाहूंगा, वही सवाल है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी का कहना है, आज ही उनका स्टेटमेंट है कि पांचों सीटें बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, सरकार बहुत काम कर रही है, तो इसीलिए पांचों सीटें बीजेपी के खाते में इस बार उपचुनाव की आने वाली है। हालांकि अगर पिछला कुछ रिकॉर्ड देखे तो उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि बीजेपी 400, आपके भी तो 240 सीट कह रहे थे, 99 पर रह गए, जरा उसको भी तो प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते कि आपको हमेशा सप्लीमेंट्री में रहने में खुशी होती है, 2 बार से फेल हो रहे थे, इस बार सप्लीमेंट्री आ गई, तो शायद 99 सीटों से आप खुश हैं, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। जहां तक आप कह रहे थे इंडिया गठबंधन की, मैं छोटी सी बात पूछूंगा राहुल जी आपके चैनल के माध्यम से, क्या राजकुमार जी एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इतना बता सकते हैं कि इनका गठबंधन भारतीय आदिवासी पार्टी और हनुमान बेनीवाल से होगा या नहीं होगा? इंडिया गठबंधन तो जब होगा जो गठबंधन होगा। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या हो सकता है क्या उसी तरीके से होगा जैसे तक आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में इनको छोड़ के भाग गई हरियाणा में, उसी तरीके से होगा क्या जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने की मना कर दी? तो अभी तो हाथ जोड़े खड़े हैं भारतीय आदिवासी पार्टी हनुमान बेनीवाल के सामने और उनकी तरफ से जवाब नहीं आए, तो कहां इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन तो एक काल्पनिक है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने छोड़ा, आम आदमी पार्टी छोड़ गई, धीरे धीरे सब लोग छोड़ के जाते हैं, तो इंडिया गठबंधन तो रहा नहीं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इन पांचों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी थे, उन्होंने लगातार पांचों सीटों पर चुनाव बैठकें की हैं, वहां के कार्यकर्ताओं को प्रदेश में बुलाया है, प्रदेश कार्यालय पर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, पूर्व मंत्री जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को वहां टीम लगाई गई है, पूरी क्षमता के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और पांचों की पांचों सीटों पर जीतेगी।
क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा राजकुमार जी, आज के इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी में ये जो बदलाव हो रहे हैं इनके मायने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं आपको बस सिंपल सा इतना कहना चाहता हूं कि इनकी अंतर्कलह पूरी खुलकर प्रदेश की जनता के सामने आई है, पूरी प्रदेश की जनता ने देखी। अब ये उसको कैसा भी अमलीजामा पहना के कितनी भी छुपाने की कोशिश करे, इनके नेता अलग अलग बयान देते हैं, इनके मंत्री अलग अलग बयान देते हैं, इनके मंत्रियों की आपस में लड़ाई देखी है और इनके विचार बिल्कुल जनता के विरोध के जो देखे हैं वो खुल के सामने आए, चाहे उसको किसी भी परिदृश्य में जनता को दिखाने का प्रयास करे। और रही उपचुनाव की बात, तो राहुल जी हम फिर डिबेट में मिलेंगे, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ। 500 सीटें और हमारे गठबंधन की आपको चिंता करने की कतई चिंता नहीं, आप चिंता यूं कीजिए कि 5 में से एकाधिक सीट जीत जाओ गलती से तो उस पर खुशी मना लेना, नहीं तो 500 की 500 सीटें आप बहुत ही बड़े मार्जिन से हारने वाले। चलिए शैलेश जी आपके पास आना चाहूंगा सर, क्लोजिंग नोट इस मामले को लेकर, और क्या लगता है आपको कि जो प्रदेशाध्यक्ष नए नियुक्त हुए हैं मदन राठौड़ जी, उनके नेतृत्व में क्या सीट उपचुनाव में क्या कुछ बदलाव जो है उनके नेतृत्व में देखने को मिलेगा? देखिए मदन राठौड़ जी की प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त हुए हैं, एक ऊर्जावान दायित्ववान लंबे अनुभवी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, जो व्यक्ति जो 1972 से लगातार प्रचारक के रूप में काम किया है, ऐसे वरिष्ठ अनुभवी कार्यकर्ता को आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दायित्व मिला है। हम सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के इतिहास में और उपचुनावों में नई विजयी गाथा रचेगी। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी के अंदर कई जो बड़े बदलाव है वो हमें देखने को मिले हैं। अब उपचुनाव का जो फैसला है, रिजल्ट जो है वो किस पार्टी के फेवर में आता है, क्या वो उपचुनाव बीजेपी जीतती है या कांग्रेस, कौन बाजी मारता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियाँ अपने अपने दावे कर रही हैं कि पाँचों की पाँचों सीटें हमारे खेमे में हैं, लेकिन रिजल्ट तो आखिर जनता को ही तय करना है, जनता जनार्दन है, वही तय करेगी कि किसको मोहर लगानी है, किसको जिताना है, अपने सराखों बिठाना है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।